सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा और प्रदेश की सभी 25 सीटों पर रणनीति की जा रही है, चर्चाएं हो रही है। राहुल के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी इस बैठक के माध्यम से रूपरेखा तैयार की गई। सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा हमारा मिशन 25, हम होंगे कामयाब। सीएम गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा चुनाव आते ही इन्हें याद आता है राम मंदिर। भाजपा के तमाम वादे तमाम जुमले साबित हुए। जी आपको बता दें, पीएमओ के इशारे पर की जा रही है छापेमार कार्रवाई, ये भी अशोक गहलोत का कहना था। और 70 साल में नहीं हुई ऐसी घटना, अशोक गहलोत ने कहा। और साथ ही सीबीआई, ईडी, आईटी सबको लगा दिया चुनाव जीतने के लिए, और भाजपा को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। और राहुल गांधी ने राजस्थान के दौरे को लेकर भी अशोक गहलोत ने यहाँ खुलकर बताया और कहा कि सप्ताह भर में यहाँ राहुल जी का दौरा हो सकता है। मोदी जी के जुमले 5 साल तक लोगों ने सुन लिए। पिछले चुनाव में एक बार विश्वास किया उनके ऊपर देश की जनता ने, और प्रधानमंत्री बना दिया उनको। वादे किए ब्लैक मनी लाएंगे, नौकरी देंगे 2 करोड़ लोगों को, महंगाई कम कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा उस वक्त में। आज मोदी जी बोलते हैं, मैं कहना चाहूँगा उस वक्त में जो मोदी जी बोले थे पीएम बनने के पहले कैंपेन में, अगर वो आप सुन लो, देशवासी सुन लें, तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जो मोदी जी बोले हैं वो आज कुछ सुनता तो आश्चर्य करता, ये आदमी क्या बोलता था आतंकवाद के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और आज बिल्कुल यू टर्न कर लिया, अब ना तो वो ब्लैक मनी लाने की बात कर रहे हैं विदेशों से, 1 रुपया भी नहीं आया अभी तक, ना रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात, ना नोटबंदी की बात कर रहे हैं। नोटबंदी को अपनी उपलब्धि बता रहे थे, आज चुनाव कैंपेन में नोटबंदी क्यों नहीं वो मुद्दा बना रहे जीतने के लिए चुनाव, जीएसटी को क्यों नहीं मुद्दा बना रहे हैं। रात को 12 बजे जैसे स्वतंत्रता मिल रही हो, फ्रीडम मिल रही हो देश को, उस रूप में रात को 12 बजे इन्होंने पूरी कैबिनेट बुला करके, सांसदों को बुला करके फिर घोषणा की जीएसटी की। आज उसको